तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के बीच का कुछ मेजर डिफरेंसेस को जानेंगे। अगर आप दोस्तों लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हमारी आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दी सेंट्रल फिगर हु ट्राइज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, मतलब दोस्तों जो कहानी में दूसरों के झगड़े को सॉल्व करता है उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। और दोस्तों ये जो प्रोटैगनिस्ट होता है ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी होता है। द मेन फोर्स दैट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर प्रोटैगनिस्ट। और दोस्तों ये जो एंटागनिस्ट है ये इस प्रोटैगनिस्ट का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि दोस्तों ये तो झगड़े को सॉल्व कराता है लेकिन ये झगड़े लगाता है प्रोटैगनिस्ट के लिए। ऑफन पोर्ट्रेड एज द गुड गाय, ऑफन पोर्ट्रेड एज द बैड गाय। तो दोस्तों ये प्रोटैगनिस्ट को हीरो कहा जाता है और ये एंटागनिस्ट को विलेन कहा जाता है। कैन बी अ ह्यूमन बींग और एन एनिमल, तो दोस्तों ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये ह्यूमन बींग भी हो सकता है और दोस्तों ये जानवर यानी कि एनिमल भी हो सकता है। कैन बी अ सिंगल कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एन इंस्टीट्यूशन और इवेन अ कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये सिंगल कैरेक्टर यानी कि लौता कैरेक्टर का भी हो सकता है और दोस्तों ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर भी हो सकता है। और ये एक इंस्टीट्यूशन या तो दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट यानी कि किसी भी कंसेप्ट के ऊपर इस एंटैगनिस्ट को बनाया जा सकता है। मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवेन अबाउट द प्रोटैगनिस्ट देयर फॉर द ऑडियंस एम्फेसाइज विथ हिम। तो दोस्तों जो प्रोटैगनिस्ट है उसके बारे में स्टोरी में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी दिया रहता है जिसके कारण जो ऑडियंस है यानी कि जो दर्शक है वो प्रोटैगनिस्ट के प्रति सहानुभूति रखते हैं। Often not much information is provided about the antagonist, therefore the audience does not empathize with him. और दोस्तों स्टोरी के एंटैगनिस्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यानी कि ज़्यादा जानकारी नहीं दिया रहता है जिसके कारण जो दर्शक है वो एंटैगनिस्ट के प्रति सहानुभूति नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों मुझसे जितना हुआ मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।